खाओगे समोसा? खाओगे? नहीं तू खांड गया, वो बोले वो पीछे पड़ गई। क्या देखे एमिली इन पेरिस, इसका न्यू सीजन आने वाला है गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो प्लीज देखना। हे गाइस गुड मॉर्निंग। सो रात को हुई थी बारिश एंड मैं सुबह बैठ गई हूँ मौसम का मजा लेने, बिकॉज जिस दिन बारिश होती है उसके नेक्स्ट डे मौसम बड़ा सुहाना होता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, फीवर हो गया था। अब मैं 50% ठीक हूँ, बट घर बैठ बैठ के भी मैंने पागल ही होना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलती हूँ कहीं कॉफी पी लेती हूँ एंड थोड़ा सा काम था वो कर लेती हूँ। एंड जो मेरे को पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी हार्ड डिस्क का केबल चाहिए, कनेक्टर चाहिए, वो मेरे को अभी तक मिला नहीं है। तो मैंने कॉल करके पूछ लिया है, मैंने नहीं अर्पित ने कॉल करके पूछ लिया हुआ, वो भी आ गया हुआ है। एंड छोटी आवाज क्योंकि वो भी ले लेती हूँ जाके। और थैंक यू यार मुझे इतना सपोर्ट एंड प्यार करने के लिए। सो गाइस हमने ना अभी इतनी फनी एक इंस्टाग्राम पे ना रील अपलोड की है, अर्पित का कॉन्सेप्ट एंड आइडिया था वो। अब दिख रहे हो, अब दिख रहे हो उसको, यही दिक्कत है कि ये दिखता नहीं। अर्पित का कॉन्सेप्ट एंड आइडिया था, उस पे जाके जरूर देखना। मैं इंस्टाग्राम लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड ऊपर भी अपने यूजर नेम डाल दूंगी, तो आप प्लीज हमें वहाँ पे भी फॉलो करो। बड़ा अच्छा करते हैं बस वाले, हमेशा ऐसे ही चलाते हैं। फिर जा रहा है अर्पित यहाँ पे लेने के लिए, आई होप आज मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली हूँ, बिकॉज मैं अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ एंड इतना ज्यादा डाटा हो गया ना इकट्ठा मेरे पास कि मैं क्या करूँ। जो शॉप पे अर्पित अभी गया अभी आ रहा है शायद, उसको मिला नहीं है, नहीं मिला यार। जिस शॉप पे अर्पित पहले गया था वहाँ पे तो मिला नहीं है, अर्पित दूसरी शॉप पे गया मुझे लग रहा है वहाँ पे नहीं मिला। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं ऑनलाइन ऑर्डर करने का। मिला एक्चुअली में हुआ क्या, अर्पित भी ब्लॉक कर रहे हैं। टाइप सी टाइप तेरी लीड मिली नहीं, पता नहीं मिली ये, नहीं मतलब मिल गई दूसरा वो है ना इसके साथ। सो फाइनली ये नहीं लगेगी इसके साथ, लग जाएगी? नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? कैसे लगेगी बताओ? ये रही ना सोना, ये पीछे, ये इसके साथ कनेक्ट होगा और ये आगे है। क्या हो गया? Are you sure ये लग जाएगा? Sure बाबू 100% sure। खोल लोगे तो फिर नहीं जगह चला, फिर नहीं चला तो गए आपके 500 रुपए। 500 के? हाँ बाबू 500। ओ नहीं लगा, कनेक्टेड। लग गया फाइनली। अब मैं अपनी हार्ड डिस्क यूज कर सकती हूँ। कितने टीबी की अर्पित ये? ये 1 TB की है। 1.5 TB। 1.5 है? हाँ फाइनली अब मैं अपनी हार्ड डिस्क यूज करूंगी। ये तो गाइस मेरे को ना हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता था एंड अब क्यों हो रहा है, मेरे को इतना हेयर फॉल हो रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मैं ऑयल वॉयल भी वैसे ज्यादा लगाती नहीं हूँ बालों में, पहले भी नहीं लगाती थी। सो अब मैं सोच रही हूँ कैस्टर ऑयल यूज करूँ, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे चेक कर रही थी, देख रही थी कि कैस्टर ऑयल लगाने से ना आपके जो हेयर फॉल है ना वो बहुत कम हो जाता है, मतलब कम होता है। बट मुझे लिटरली बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ आज, से इतना ज्यादा हुआ कि मैं खुद डर गई। अब मैं ना कहीं से कैस्टर ऑयल लेने वाली हूँ। वैसे उसको ऐसे तो नहीं लगाते, मिक्स करके लगाना पड़ता है बिकॉज वो बहुत थिक होता है। तो मैं उसके लिए कोकोनट ऑयल ले लूंगी एंड फिर मिक्स करके लगाऊंगी, फिर उसके रिजल्ट्स आपको बताऊंगी कि अगर मुझे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। बट अगर आपके पास भी कुछ है आइडियाज तो मुझे नीचे कमेंट में बताना हेयर फॉल रोकने का। सो दिस इज माई कैपचिनो विदाउट शुगर एंड ये अर्पित खा रहा है। इसने मुझे बोला था कि प्लीज मुझे कंट्रोल करना कि मैं ज्यादा बाहर का कुछ खा ना सकूं, और फिर खुद ही मुझे बोल रहा है प्लीज मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे में बहुत सेल्फ कंट्रोल है, मैं नहीं खाऊंगी। एंड फिर खुद ही मुझसे मंगवा के खा रहा है और अब एक्टिंग मार रहा है। कल ब्रेकफास्ट में बनने वाली है भिंडी। ये हमने अभी ले लिए भिंडी एंड आप मानोगे नहीं ये कितने की ली, मान नहीं सकते कि कितने की भिंडी, कितने की होगी, ओनली 20 रुपीज। सो 20 रुपए की भिंडी बनेगी कल ब्रेकफास्ट में। एक्चुअली आज सिर्फ भिंडी ली ना, एज ए मैं इकट्ठा सामान लेती थी तो कभी कितना, आज सिर्फ भिंडी ली है, सो इट्स जस्ट 20 रुपीज। बाय बाय। ये तो अर्पित ड्रॉप कर रहा है, इतना सामान मैं कैसे लेके जाऊंगी, मेरे को दरवाजा भी खोलना है। कीज कहाँ है? ये डाल देता हूँ, रुक जा। चाबी भी दे दो। चाबी दे रहा हूँ। भिंडी वाले लिफाफे में ही दूध डाल रहा है पागल, मेरे को चाबी। बड़ा गर्म है, इसको निकाल लेना। हाँ चाबी ऑलरेडी गर्म है, ये फिर थोड़े ना गर्म करना है मैंने। जी मैम। हम ये समोसे लेके आए थे, ये देखो ये समोसे लेके आए थे, बिकॉज मेरी कजन आ रही थी। मेरी कजन को पता लगा कि मेरे को फीवर है तो वो
तो वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए आ रही थी, उसे समोसे पसंद है तो मैं समोसे लेके आई थी। एंड अभी उसका कॉल आ गया कि वो थोड़ा सा काम में बिजी हो गया एंड थोड़ा लेट आएगी। अब मैं इनको रख देती हूँ अंदर एंड फिर माइक्रोवेव में गर्म करके फिर उसे खिलाऊंगी। हाँ टुमुआ, इसको चाहिए खाना। वापस आते ही देखो ये कैसे आ गई कि मैं वो कुछ खाने को दूँ। टीमू गंदू बच्चू है, टीमू छुंदे काकू है, विस्की नहीं है ना, विस्की नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पे इतना ये चिल कर रही। विस्की आता तो विस्की और उसकी लड़ाई होती रहती है। मैं भी विस्की को इतना मिस कर रही हूँ बिकॉज 4-5 दिन हो गए हैं एंड वो मेरे लिए इट्स लाइक वो मेरा बच्चा है। सो होपफुली कल मैं विस्की को लेके आऊँगी बिकॉज मैं उसको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी ये टिम्मी और टिम्मी की बेटी दोनों मिलके दूध पी रही है, इनको भूख लगी थी यानी ये खुद मांग के खाना मांगती हैं अपना। इसका नाम तो टिम्मी है, इसकी बेटी का नाम मैं क्या रखूँ आप बताओ, मिम्मी रख दूँ, टिम्मी और मिम्मी। सो ये गाइस मेरी हार्ड डिस्क, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया इसके साथ, ये सीलिंग का कुछ वो कनेक्टर है एंड ये मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया एंड अब मैं अपना काम कर सकती हूँ आराम से। वरना मेरी मेमोरी फुल जाती थी इस चक्कर में, ढंग से मेरी एडिटिंग भी नहीं हो पाती थी एंड सेव भी नहीं होता था मेरा हाई रेजोल्यूशन में, बट अब मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। खाओगे समोसा? खाओगे? खा लो, चलो मैं और आंटी खा लेते हैं। ये है आंटी की प्लेट, ये ब्लॉग सिर्फ एडिट करके अपलोड करेगा, बाकी टाइटल टैग थंबनेल सब मैं करती हूँ। इसके चैनल का सारा काम गाइस बैकएंड पे मैं देखती हूँ, इसने मुझे रखा हुआ है। थोड़े दिन के बाद ये एडिटिंग भी मुझसे करवाएगा, सो इसका एडिटर मैनेजर जो भी चले। मेरी एडिटिंग, इसकी एडिटिंग अलग है, मेरा सिग्नेचर अलग है एडिटिंग का। अच्छा पर मेरी अच्छी है तुमसे। तूने चाय आज कैसे बना दी अच्छी? आजकल तुम्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी क्यों लग रही है? जोर बोल रहा हूं गाइस मैं, बेकार। इसके हाई की चाय, चाय पीना यार पीना ही बराबर है। इसके हाई की मैं आंटी की बेटी की शादी में जाऊंगी, मैं पक्का जाऊंगी, पता है बिलासपुर, बिलासपुर लगे। आंटी बोलती है यहां से स्टेशन आएगा तुम सीधे बिलासपुर उतरना, वहां से मैं लेने आ जाऊंगी। तो चल जाइए फिर। मैं जाऊंगी अकेले। जा, मैंने गाँव की कोई भी शादी नहीं अटेंड की अभी तक। मैं गाँव की शादी और आंटी के उधर खाना चूल्हे पे बनेगा और मैं वो भी खाऊंगी। आंटी के घर पे है वो, मैं उसका खाना भी खाऊंगी। ठीक है, बिलासपुर वहाँ पे मेरा दोस्त भी है। तुम तो ज्यादा एक्टिंग मारोगे ना, तुम्हारा दोस्त तो MLA है ना वहाँ का। नहीं, ज्यादा हवा मारता है इसका दोस्त, कोई इलेक्शन लड़ रहा है उसके दम पे हवा मारता रहता है यहाँ बैठे बैठे अपने घर पे। नहीं था, पहले रह चुका है वो, अब जो भी है मेरे को पता नहीं है। इतना डेप्थ में ये सब बातें अच्छा लगता है मेरे को करना। स्टाइल मारो, स्टाइल मार रहे हो आज तुम, आज तुम बहुत स्टाइल मार रहे हो। वो है, मैं थोड़ी गाऊं, लेकिन आज तुम बहुत स्टाइल मार रहे हो। स्टाइल है तो बचेंगे ही, पलकी तमीज से बकवास नहीं किया। कितना काम है इसमें, मैंने जो कल शॉर्ट्स अपलोड करनी है वो कर रही हूँ एंड अर्पित घर पे है नहीं अभी, तो मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकती। लेकिन पता है सीन क्या है, अभी अर्पित घर पे है नहीं है, बट अब मैं नेटफ्लिक्स एंड चिल पे देखूं क्या? मैं सिर्फ स्क्रॉल करे जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या देखूं। जैसे ही अर्पित आ जाएगा ना, उस टाइम पे मेरा मन करेगा कि मैं अपना वाला कुछ लगा के देखूं। अभी मेरे पास ऑप्शन है, अभी मेरे पास टाइम है, लेकिन नहीं, अभी तो मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। 10 चीज़ें स्क्रॉल कर रही हूँ लेकिन लगाऊंगी नहीं। लेट्स ट्राई यार, कुछ ना कुछ तो देखूंगी ना मैं। क्या देखे, क्या देखे? एमिली इन पेरिस, इसका न्यू सीजन आने वाला है गाइस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना तो प्लीज देखना, इसका सीजन 4 आने वाला है। मैं इसके 3 के 3 सीजन देख चुकी हूँ। ये क्या है, हसीन दिलरुबा? नहीं देखनी, नहीं 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 नहीं। कोरियन देखते हैं कुछ। क्रैश लैंडिंग ऑन यू गाइस, ये मेरी फेवरेट है, ये देख लेती हूँ यार। चलो यही देखते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, मिलती हूँ आपको डिनर टाइम पे। ये अर्पित खा रहा है दाल चावल कर्ड, इसका पनीर, उसके साथ ये चटनी खा रहा है जो समोसे के साथ मिली थी। एंड ये मेरा खाना, दाल अरबी की सब्जी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी सुबह तो मैं ये खा रही हूँ, इसके साथ रोटी खाऊंगी। सो खाना वाना हो गया हमारा। एक्चुअली इतनी एडिटिंग करके 24 घंटे लैपटॉप पे फोन पे बैठ बैठ के ना मेरा सर इतना दुख रहा है ना, इतना ज्यादा दुख रहा है कि मैं क्या बताऊँ। स्पेक्स डालती तो ठीक रहती हूँ लेकिन मैं चश्मा डालना ही भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों ये मेरा नेचर सा बन गया हुआ है। अब पहले तो मैं 24 घंटे चश्मा डाल के रखती थी, अब मैं चश्मा डालना ही भूल जाती हूँ। मुझे दोबारा से ना अपनी स्पेक्स की आदत डालनी पड़ेगी सो दैट मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक ना हो। अभी मुझे, मैं खाना खा रही थी और मुझे खाना खाते खाते चक्कर आ गया, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो
कि खाते खाते मुझे चक्कर आ गया। तो फिर मैंने फटाफट से चश्मा डाला एंड अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। आई होप आज का ब्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।